तो हाँ, तो यार गाइज हाजिर है आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर। तो दोस्तों आज मैं आपको सोनी 1000 वाट एक्सप्लोर का जो हमारा 4 चैनल एम्पलीफायर आता है, जो कि सोनी की तरफ से 4 चैनल एम्पलीफायर है, इसको आप घर पर कैसे इंस्टॉल कर सकते हो या फिर आप इसको कार में कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, दोनों ही तरीके आज मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। आज इसकी पूरी वायरिंग और सारे कनेक्शन बताने वाला हूँ और इसकी जितनी भी सेटिंग होती है फुल सेटिंग बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो आज की काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो कृपया करके दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप ये एम्पलीफायर देख लीजिए, ये हमारा यहाँ पर सोनी लिखा हुआ है और यहाँ पर है 1000 वाट और यहाँ पर एक्सप्लोर की ब्रांडिंग है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई थी जिसमें इसका फुल डिटेल रिव्यू था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिलेगा। कुछ इस तरह मैंने एम्पलीफायर को रख लिया है, यहाँ पर सारे कनेक्शन आपको स्पष्ट बिल्कुल दिखाई देंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम कनेक्शन करेंगे दोस्तों स्पीकर के। अब तो ये यहाँ पर प्लस और माइनस है, माइनस और प्लस है यहाँ पर। तो सबसे पहले मेरे हाथ में ये प्लस और माइनस, यहाँ पर मैं इनका कनेक्शन कर लेता हूँ। ये प्लस की वायर है यहाँ पर, ध्यान से देखना दोस्तों, क्योंकि प्लस माइनस का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो अभी हमारे फ्रंट स्पीकर के कनेक्शन हो चुके हैं, चाहे आप इसमें फ्रंट चलाऊं या फिर। तो अब बारी आती है दोस्तों अपने सबवूफर की। तो जैसे कि आप यहाँ पर सबवूफर के कनेक्शन देख पा रहे हो, यहाँ पर मैं एक माइनस की वायर को यहाँ पर कनेक्ट कर रहा हूँ। ये हमारी सबवूफर की माइनस है, ये माइनस की कनेक्ट कर दी यहाँ पर मैंने, ये ब्रिज मोड है क्योंकि। और ये है दोस्तों इसकी सबवूफर की प्लस की वायर, यहाँ पर मैं इसको भी कनेक्ट कर दे रहा हूँ। ये दोनों कनेक्शन हो चुके हैं हमारे अपनी सबवूफर के। अगर आपको स्पीकर चलाने हैं तो प्लस और माइनस और माइनस और प्लस। और अब बात करते हैं दोस्तों हम इसके पावर के कनेक्शन की। ये सबसे पहले मैं ग्राउंड वायर यहाँ पर इसके लगा देता हूँ, जो कि दोस्तों अभी मैं यहाँ पर टेम्परेरी कनेक्शन कर रहा हूँ। आपको यहाँ पर पावर में हैवी वायर लगानी है जिससे दोस्तों पावर की कोई कमी ना हो। और ये है दोस्तों प्लस की वायर जो कि बैटरी से आती है, डायरेक्ट बैटरी से आती है दोस्तों, इसमें बस एक फ्यूज लगा हुआ होता है बीच में। तो यहाँ पर अभी मैं प्लस की वायर भी कनेक्ट कर दे रहा हूँ। अब आ जाती है दोस्तों रिमोट की, जिससे दोस्तों हम अपनी गाड़ी को ऑन या ऑफ करते हैं। ये स्टीरियो के पीछे की तरफ से आता है दोस्तों ये वायर, जो कि ब्लू कलर का होता है, यहाँ पर मैं ब्लू कलर का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये देखिए दोस्तों ये तीनों कनेक्शन हो चुके हैं। अब आते हैं दोस्तों हम अपने RCA के ऊपर। अगर आपने वायरिंग किट लगाई है तो वायरिंग किट के अंदर हमारे दो इस तरह के RCA निकलते हैं, जैसे कि आप देख भी पा रहे हो। अब इसमें तो दोस्तों देखिए RCA दो हैं, अब हमको चाहिए चार, क्योंकि दोस्तों 4 चैनल हैं, चारों को चलाने के लिए हमें 4 RCA चाहिए। तो मार्केट में आपको आसानी से ये कनेक्टर मिल जाएंगे। अगर आपको मार्केट से ये नहीं मिलते तो इन सभी सामान का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एम्पलीफायर का भी और जितने भी ये कनेक्टर वगैरह हैं, वायरिंग किट वगैरह हैं, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे तो आप वहाँ से भी खरीद सकते हो। तो आपको आप कनेक्ट कैसे करना है ये देखिए दोस्तों, इसको इस तरह कनेक्ट कर देना है। तो जैसे कि आप देख भी पा रहे हो, अब मैंने यहाँ पर इनको कनेक्ट कर दिया है। अब ये देखिए दोस्तों हमारे पास 4 हो चुके हैं। अब इनका कनेक्शन कैसे करना है ये आप देख लीजिए। जो कनेक्शन है दोस्तों बड़ा ही सिंपल है, इसको आप एक को मैं छोड़ दे रहा हूँ अभी यहाँ पर। जब आप कनेक्शन करें तो एक दूसरे के अपोजिट आपको लगाना है, एक इधर लगा दे रहा हूँ मैं और एक इधर। और दोस्तों इसी तरह आप ना जो दूसरा चैनल है उसको भी इसी तरह कर लेना है, अपोजिट लगेगा दूसरे एक दूसरे के। तो ये देखिए दोस्तों अभी RCA के कनेक्शन भी मैंने कर दिए हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं कुछ सेटिंग की। देखिए दोस्तों अभी मैंने यहाँ पर फ्रंट पर स्पीकर चलाए हैं, तो फ्रंट के लिए मैं आपको या तो आप HPF पर रखें इस नोब को या फिर फुल पर रख सकते हैं, LPF पर आपको नहीं रखना है अगर आप स्पीकर चला रहे हो। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो रियर चैनल से अभी यहाँ पर मैंने सबवूफर चलाया है, तो सबवूफर चलाने के लिए आपको इसको LPF पर रखना होगा। अभी यहाँ पर मैं LPF पर इसको कर दिया है नोब पर। तो दोस्तों ये है इसकी गेन, गेन को आपको लगभग 75% पर कर देना है, फुल लोड पर नहीं चलाना है। फुल पर चलाओगे तो आपका सबवूफर या फिर एम्पलीफायर कुछ ख़राब भी हो सकता है, आपको यहाँ पर 75% पर कर देना है। 75% पर रखोगे तो दोस्तों आपका एम्पलीफायर कभी भी ख़राब नहीं होगा और कभी भी आपका सबवूफर या स्पीकर ख़राब नहीं होगा। कुछ इस तरह इसकी सेटिंग करनी है। तो ये तो हुए दोस्तों एक नॉर्मल सिंपल कनेक्शन, कुछ इस तरह आपको इसको इंस्टॉल करना है। और एक तरीका दोस्तों इसका और है, चलिए मैं इसको यहाँ पर नोब को निकाल लेता हूँ यहाँ पर। और जिनकी गाड़ियों में दोस्तों ये RCA नहीं होता, जो दोस्तों कंपनी फिटेड स्टीरियो होते हैं हमारे, उनके अंदर दोस्तों देखिए मैं आपको बता दूं, जो कंपनी फिटेड स्टीरियो होते हैं उनमें RCA लीड का ऑप्शन नहीं होता ये वाला।
तो दोस्तों जिनमें ये नहीं होता तो उसमें आप आरसी लीड तो लगा नहीं सकते। इस एम्पलीफायर की जो खास बात है दोस्तों वो यह है कि इसमें हाई लेवल इनपुट लग जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये कनेक्टर दोस्तों इस एम्पलीफायर के साथ आएगा, इसके साथ आपको मिलेगा। और आपको मैं इसके कनेक्शन बता दूं, जो आपकी स्टीरियो होगी उसमें आपको कुछ इस तरह का कनेक्टर मिलता है जिसमें चार वायर होते हैं। तो दोस्तों आपकी जो कार है उसमें पीछे की तरफ स्पीकर के वायर आपको खींच लेने हैं जो कि आपके स्पीकर चलाते हैं, क्योंकि दोस्तों कंपनी फिटेड जो स्टीरियो होते हैं उनकी सबकी वायरिंग पड़ी हुई होती है, उसमें से आपको इस तरह उसके जो वायर हैं वो लंबे कर लेने, तो फिर आपस में आप इसके कनेक्शन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं इसके कनेक्शन कर लेता हूँ, फिर आपसे वीडियो में मिलता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों कनेक्शन अभी मैंने यहाँ पर सारे कर लिए हैं, जैसे कि आप देख भी पा रहे हो वीडियो में। सिर्फ दोस्तों आपको कलर कोड का ध्यान रखना है, जिस तरह आपकी स्टीरियो में स्पीकर की वायर है सिर्फ उसी तरह आपको इसके कनेक्शन कर देना है। अब ये कनेक्टर हमारा दोस्तों तैयार है। अगर आपको डायरेक्ट ही एम्पलीफायर चलाना है तो आप देखिए इस तरह से आपको इसको कनेक्शन करना है। ये वायरिंग लगी, आपका सॉकेट आपकी स्टीरियो में लग चुका है इधर की तरफ। अब ये सीधा ही आपको यहाँ पर लगा देना है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको लगा कर दिखा देता हूँ यहाँ पर। अब दोस्तों आपको आरसीए लीड कनेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब आपको इसमें कोई आरसीए पिन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कनेक्शन इसके इस तरह भी हो सकते हैं अगर आपकी कार के अंदर ये आरसीए सॉकेट नहीं है तो। तो दोस्तों कुछ इस तरह इसके कनेक्शन होते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने जितनी भी वायरिंग देखी है इस तरह आपको अपनी कार में वायरिंग करनी है। अगर दोस्तों इस सेटअप को आपको घर पर चलाना है तो इसमें थोड़ी सी वायरिंग आपको चेंज करनी पड़ेगी, ज़्यादा कुछ नहीं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप एम्पलीफायर में देख पा रहे हो ये रिमोट वायर है और ये है 12 वोल्ट। ग्राउंड आपको छोड़ देना है, ग्राउंड आपका माइनस की वायर है ये, जैसे कि आप देख भी पा रहे हो। इन दोनों को दोस्तों आपको एक जगह यहाँ पर कनेक्ट कर लेना है। तो ये देखिए दोस्तों इसको मैं यहाँ पर अभी कनेक्ट कर दे रहा हूँ। तो ये देखिए अभी हमारे यहाँ पर सिर्फ दो वायर बचते हैं जो कि माइनस और प्लस, और इसको चलाने के लिए या तो आपको एक 12 वोल्ट की बैटरी की ज़रूरत पड़ेगी या फिर आपको एक पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास 12 वोल्ट की बैटरी है तो आप बैटरी से चला सकते हो, नहीं तो आप एक ऐसी पावर सप्लाई खरीद सकते हो जैसे कि ये मेरे पास है। अभी यहाँ पर मैं जो इस्तेमाल कर रहा हूँ 12 वोल्ट 40 एम्पीयर की पावर सप्लाई का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब दोस्तों इसके कनेक्शन समझ लीजिए आप, ये है न्यूट्रल और ये है लाइन, ये दोस्तों पावर की केबल है और यहाँ पर तीन प्लस आपको दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर तीन माइनस है। तो दोस्तों अभी यहाँ पर मैंने स्टीरियो के कनेक्शन कर चुका हूँ मैं पहले से ही, ये प्लस का और यहाँ पर माइनस का। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पर एम्पलीफायर का कनेक्शन करने जा रहा हूँ, ये हमारे हाथ में एक प्लस बचता है और यहाँ पर है एक माइनस। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। तो अभी यहाँ पर मैं कनेक्शन कर चुका हूँ इसके, ये देखिए यहाँ पर प्लस की वायर में दोनों वायर लगी है हमारी, रिमोट और पावर की केबल, और ये बचता है दोस्तों हमारा माइनस जो कि एम्पलीफायर से आ रहा है, ये मैंने माइनस में यहाँ पर लगा दिया। तो दोस्तों कनेक्शन अभी हमारे सारे हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको इसके साउंड चेक करा देता हूँ। सेटअप होने के बाद कुछ इस तरह हमारा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम JBL के दो स्पीकर चला रहे हैं और यहाँ पर सोनी 1800 वाट का हम एक यहाँ पर सबवूफर चला रहे हैं और सारे कनेक्शन मैंने आपको बता ही दिए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं जो सॉन्ग है वो प्ले कर देता हूँ। आपको कमेंट करके बताना है, अगर आपकी इससे कोई हेल्प हुई हो तो दोस्तों वो भी आपको कमेंट करके बताना है।